बताता हूँ, अभी मोबाइल का हार्डवेयर और मोबाइल का जो ब्रांडेड मोबाइल है और जो चाइना का मोबाइल है उसके कुछ लिस्ट बता रहा हूँ। जो है मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग के लिए दो ही ब्रांड आते हैं, एक ब्रांडेड और एक चाइना। तो चाइना सैमसंग हो गया, ब्रांडेड में आईफोन आ गया, एलजी आ गया, मोटो आ गया और तुम्हारा नोकिया आ गया सर, और तुम्हारा नोकिया आ गया और तुम्हारा बहुत सारे सेट है। और चाइना के अंदर में तुम्हारा ओप्पो, ओप्पो रियलमी, वीवो और बताओ कौन कौन सा आएगा, एम आई और रेडमी, रियलमी, हाँ टेक्नो रियलमी लिख दिया, और आगे बोलो माइक्रोमैक्स और आगे बोलो और कुछ भी लावा हो गया, कुछ भी क्या लावा हो गया, ठीक है। तो ये लावा वगैरह ये सब आएंगे हमारे चाइना के अंदर और ये ब्रांडेड के अंदर, तो इनके पैटर्न अलग होते हैं तरीके और इसके तरीके अलग होते हैं, ठीक है। FRP का फुल फॉर्म जो है FRP फाइल रिसेट प्रोटेक्शन होता है, और ये लॉक जो है जीमेल अकाउंट का होता है, और ये सेट को रिसेट करने के बाद जब हम प्ले स्टोर में जो ID वगैरह लगी होती है तब, या सेट को अगर रिसेट करें तो हमारे को ये अकाउंट तब मांगता है FRP का। तो आईफोन के अंदर में iCloud होता है और एंड्रॉयड के अंदर में FRP बोलते हैं उसको, जिस फाइल रिसेट प्रोटेक्शन। तो जैसे कि और तरीके से जानना है तो प्ले स्टोर में जो ID हमारी लगी होती है इसके बगैर ही प्ले स्टोर नहीं चल सकता, तो FRP को ये लॉक को हटाने के लिए FRP का काम होता है। तो ये देखिए, तो ये हमारा जो FRP है ये लॉक लग गया, तो अपने को पहले FRP को अगर ऑफ करना है तो हमारे को मोबाइल के अंदर सेटिंग में जाना पड़ेगा, और उसके बाद हमारा जो अकाउंट होगा तो अकाउंट में जाके हमारे को गूगल क्रोम के अंदर में अकाउंट मिल जाता है, तो गूगल क्रोम के अंदर में ये हमारे को अकाउंट और सेटिंग में जाके FRP को हम ऑफ कर सकते हैं। और अगर बाईपास की बात हुई तो बाईपास को हम सेटिंग से, और जब सेटिंग में जाके आपको देखो कई जगह पे आपको डेवलपर ऑप्शन दिखाई नहीं देता, हमको क्रिएट करना पड़ता है, तो बेसमेंट वगैरह में एक डेवलपर का एक लिंक दे दूंगा आपको, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, ये चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा डेवलपर ऑप्शन कैसा क्रिएट करें। तो वहाँ से क्लियर करने के बाद OEM को ऑन है तो ऑफ करना पड़ेगा, और जब रिमूव की बात करें तो रिमूव वही सेटिंग में जाके अबाउट में जाओ और फिर डेवलपर ऑप्शन ऑन कर दो, तो वहाँ से आपको रिमूव का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप रिमूव कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए और मोबाइल रिपेयरिंग के यूज़फुल टिप्स और लैपटॉप रिपेयरिंग के बारे में और सेल्स वगैरह करवाना है या बेचना है तो चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।